नई नई रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मुहर्रम स्पेशल दूध का शरबत। तो हमें चाहिए भिगोए हुए बादाम, हमने यहाँ पे 8-10 से 12 बादाम उसको छील कर काट लिया है हमने। यहाँ पर हमने चिरौंजी, पिस्ता और काजू को काट लिया है 1-1 टेबल स्पून। यहाँ पर हमने 1/2 कप शक्कर लिया है, आप चाहें तो मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून पीला रंग लिया है, आप चाहें तो लाल, हरा, ऑरेंज कोई भी कलर का शरबत बना सकते हैं। यहाँ पर हमने केवड़ा एसेंस लिया है, 1 चारकोल लिया है कोयला, इसके धुनी देंगे हम इसमें, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर कुछ गुलाब की पंखड़ियाँ हैं हमने यहाँ पर शरबत में डालने के लिए यूज़ किया है, और इसे हम डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है, उसको हमने पहले से गर्म करने को रखा था, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम ड्राई फ्रूट, सारे ड्राई फ्रूट इसमें हम डाल देंगे, काजू, पिस्ता, चिरौंजी और बादाम। इसमें हम शक्कर भी डाल देंगे अच्छी तरह से हिलाते हुए इसे चलाएंगे। शक्कर के गलने तक इसे थोड़ा सा पकने देंगे, फिर गैस बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। पीले रंग में थोड़ा सा दूध मिला के इसमें रंग हम डाल देंगे शरबत में, देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें। गैस बंद करके हम इसे दूध को ठंडा होने देंगे। दूध हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसमें 2 से 3 बूंद केवड़ा एसेंस डालेंगे। ये हमारे पास ठंडा पानी, हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे फ्रिज का, आप चाहें तो आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। शरबत को फ्रिज में रख कर भी आप ठंडा ठंडा इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्टील की कटोरी ली है, और यहाँ पर एक तरफ हमने कोयला जलने को रखा था, ये हम इस कटोरी में डाल देंगे जलता हुआ कोयला। इस पे 1/2 टेबल स्पून घी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। अब जब धुआं उठने लगे तो इस पे ढक्कन रख देंगे, कुछ देर बाद इसे हटाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हम ढक्कन को हटा लेंगे और कटोरी को भी इसे निकाल कर अलग रख देंगे। इसमें इससे कोयले का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें गुलाब की पंखड़ियाँ डाल देंगे, बिल्कुल छोटी गुलाब की पंखड़ियाँ यूज़ करें शरबत के लिए। हमारा शरबत बिल्कुल बनकर तैयार है, इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमने ग्लास में सर्व किया है शरबत को, गुलाब की पंखड़ियों से इसे सजाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें शरबत की रेसिपी, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए शरबत आपको कैसा लगा, ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए शरबत आपको कैसा लगा।